अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रविवार को सरस्वती विद्या मंदिर सभागार में जिला अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 4 सत्र में आयोजित हुई। पहले सत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सिद्धांतिक भूमिका, दूसरे सत्र में कार्य पद्धति, तीसरे सत्र में सदस्यता और कार्यकारिणी गठन और चौथे सत्र में छात्र संघ चुनाव और सेल्फी विद कैंपस अभियान पर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. सुजीत चौधरी, प्रांत उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे, महानगर उपाध्यक्ष प्रोफेसर NK राय, नवनीत शर्मा सहित परिषद के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। फिर से परम पर्व के शिखर पर इस राष्ट्र को स्थापित करना यही विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है। संगठन उसका माध्यम है और कार्य पद्धति जो है यह सैद्धांतिक भूमिका का ही एक अंग है। हम सब जानते हैं हमारा जो राष्ट्र है वह प्राचीन राष्ट्र है, हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है और यह देश जैसा कि पिछले सत्र में चर्चा भी हुआ विश्वगुरु कहलाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से सोने की चिड़िया कहलाता था और पूर्व के वक्ता ने आपको बताया कि 35% हमारी भागीदारी दुनिया के आर्थिक मामलों में, अध्यात्म में भी नंबर वन थे, आर्थिक दृष्टिकोण से भी नंबर वन थे, विज्ञान ज्ञान विज्ञान में भी हमारा स्थान था, तो वहां हम थे। लेकिन हम कहां आ गए, हमारे ध्यान में हमारे क्या स्थिति हो गई, हमारे ध्यान में फिर से हमको अपने देश को वहीं ले जाना, यानी परम वैभव के शिखर पर ले जाना। परिवेश पर हम दृष्टि जब डालेंगे तो हम देखेंगे जो आज देश को उस स्थिति में ले जाने की जिन सब चीजों की आवश्यकता होती है वे सारी स्थितियां आज हमारे देश में मौजूद है। फिर भी जिस गति से उस ओर हमको आगे बढ़ना है उस गति से हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। आगे तक आज दुनिया का सबसे अच्छा अध्ययन हमारे देश में है, खेती के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे अच्छी रुचि हमारे देश में है, हमारा देश खनिज संसाधनों से भरा पड़ा है, सब कुछ है। जनसंख्या के मामले में अगर दुनिया के नंबर 2 देश हम हैं, सारी स्थितियां हमारे यहाँ मौजूद है इस राष्ट्र को महान बनाने के लिए। लेकिन फिर भी हमारा राष्ट्र जहाँ इसको होना चाहिए था वहां नहीं है, इसका कारण है। इसी बीमारी को ठीक करने के लिए और इस संगठन की स्थापना, तो हमको पता चलेगा जो इसका कार्य बहुत व्यापक और उद्देश्य बहुत बड़ा है, उस दिशा में कार्यकर्ताओं के निर्माण के माध्यम से, व्यक्ति के निर्माण के माध्यम से फिर से इस देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना यही विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है। आप ये घंटे के पहले बात करके और काम करना है विद्यार्थी परिषद का नाम नहीं है, इसीलिए सैद्धांतिक भूमिका में कहा गया है जो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करने वाले समझते हैं। हम किसी राजनीति दल के कुछ शत्रु नहीं हैं, नए कार्यकर्ताओं को थोड़ी सुविधा हो जाती है, बाहर से देखने वाले को कभी कभी सुविधा हो जाती है, उसको महसूस करेंगे, चर्चा करेंगे, हमारा विजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन भारत में जितने भी छात्र संगठन हैं, NSY है, SFI है, ASF है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उसके छात्र संगठन है, समाजवादी छात्र सभा और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनके सब संगठन सब है, लेकिन सब संगठन उस पार्टी के भी हैं। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक दल का भी नहीं है, यह एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी संगठन है, इसको अपने दिमाग में किए राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, प्रांतीय अधिवेशन होता है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे कार्यकर्ता
जी चाहते हो उसको पारित करने का काम। तो सबसे पहले संगठन में तीन स्टेज आता है, दुर्गम चरण की कक्षा भी, धर्मम चरण की कक्षा भी और संगम चरण की कक्षा भी। यानी पहले जो व्यक्ति जो है वह किससे जुड़ता है, व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है। आपको किसने विद्यार्थी परिषद से जुड़ा होगा तो कार्यकर्ता क्या होगा, आप उससे खरीदते होंगे। दूसरी स्थिति आती है जब वह व्यक्ति संगठन से जुड़ा है यानी विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। और तीसरी स्थिति आती है जब आप उसके सिद्धांतों को आत्मसात करेंगे, समझेंगे, तब आप उसके सिद्धांत से जुड़ाएंगे, तब आप पक्के कार्यकर्ता। तीसरी स्थिति ठीक है ना।